हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्रिपल आईटी हैदराबाद में एडमिशन आप किस तरह से ले सकते हो। इनके जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये रिलीज़ कर दिए गए हैं। अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जामिनेशन UGEE का जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये रिलीज़ कर दिया गया है, और इस फॉर्म को फिलअप करके एग्जामिनेशन दे के इंटरव्यू दे के आप एडमिशन ले सकते हो। और यहाँ पे आपका जो बैचलर है और मास्टर है दोनों डिग्री हो सकता है। फॉर ऑल ड्यूल डिग्री प्रोग्राम के लिए आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो एक स्पेशल चैनल है UGEE, इसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो। सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बारे में और समझते हैं तो यहाँ देख सकते हो अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। जो भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स करना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं ड्यूल डिग्री प्रोग्राम में, वो बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट ऑफ ऑल ड्यूल डिग्री प्रोग्राम अर्न 2 डिग्री, 2 डिग्री आपको मिलेगा। एक तो बीटेक का डिग्री, दूसरा आपका एमएस का डिग्री, यानी कि ग्रेजुएट भी हो गए और मास्टर डिग्री भी आपको प्रोवाइड। अब यहाँ पे रिसर्च ओरिएंटेड जॉब और हायर स्टडीज के लिए बच्चे आते हैं ट्रिपल आई टी हैदराबाद में। एडमिशन के लिए काफ़ी अच्छा चांस है आपके पास, और यहाँ पे ग्रेजुएट तो हो गई, साथ में मास्टर डिग्री भी प्रोवाइड किया जाएगा। और ये जो कोर्स है ये आपका 5 साल का कोर्स है। जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे अलग अलग ब्रांचेज हैं। बीटेक एमएस दोनों कोर्सेज में आपको साथ में करवाया जाएगा। तो सबसे पहले बीटेक करोगे तो ब्रांचेज आप देख लो, ECD इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, देन उसके बाद CST कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, CLD कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर लिंग्विस्टिक, देन उसके बाद CND कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटेशनल नेचुरल साइंस, फिर आपका कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटिंग एंड ह्यूमन साइंस। तो ये आपके बीटेक और एमएस तो साथ में ही कोर्स होगा, जो भी आपके रैंक हिसाब से जो भी आपको ब्रांच मिलता है। कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं? जो क्लास 12th कंप्लीट कर चुके हैं या फिर जो क्लास 12th में अपेयरिंग है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे एडमिशन के लिए एग्जाम देना होता है तो CBT मोड में आपका एग्जामिनेशन होता है, और UGEE एग्जामिनेशन होता है जो कि ट्रिपल आई टी हैदराबाद कंडक्ट करता है। एग्जामिनेशन में 2 सेक्शन है, एक तो है आपका SUPR सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो कि 60 मिनट का होता है, और रीप रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट जो कि 120 मिनट का होता है। तो ये दोनों मतलब एग्जामिनेशन में ये तो 2 सेक्शन है। और उसके बाद डेट ऑफ एग्जामिनेशन 4 जून को आपका एग्जामिनेशन है, और 2 बजे से 5 बजे के बीच में एग्जामिनेशन होगा, और इन दोनों से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 2 सेक्शन है। साथ में ही एग्जामिनेशन होगा दोनों, एक ही मतलब 2 सेक्शन है, एग्जामिनेशन साथ में होगा तो आपको क्लियर करना होगा। उसके बाद जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे एग्जामिनेशन के बाद, 4 जून का जो एग्जामिनेशन हो जाएगा उसके बाद रिजल्ट आएगा, तो जो भी कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा उसके बाद एडमिशन के लिए यहाँ पे फाइनल इंटरव्यू आपको देना होगा, और इंटरव्यू के बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। और इंटरव्यू का डेट अभी डिसाइड नहीं किया गया है। फॉर्म के फीस की बात करें तो 2,500 रुपीज़ है फॉर्म का फीस आपको देना होगा फॉर्म फिलअप करने के लिए, और ये फॉर्म ऑनलाइन हो फिलअप होगा, रजिस्टर करना है, देन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। किस तरह से प्रिपेयर करोगे तो देख सकते हो, सिलेबस SUPR और RE टोटली 11th 12th फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के बेसिस पे है। जो आपने CBSE या फिर स्टेट बोर्ड में पढ़ा है उस वही सिलेबस है सेम लगभग। उसके बाद सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी आप देख सकते हो, सैम्पल क्वेश्चन जो अवेलेबल है SUPR और REEP के, और मॉक टेस्ट भी है तो उसको भी आप देख सकते हो। ये इनका हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ से नोट कर लेना। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। तो एप्लीकेशन फॉर्म आपका 10 मार्च को आ गया था, 10 मार्च से लेकर 15 मई तक का आपके पास समय है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। एंट्रेंस एग्जामिनेशन 4 जून को है, और मैंने आपको बता दिया कि 2,500 रुपये आपको फीस देना होगा। किस तरह से फॉर्म फिलअप करोगे, सिंपली यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ आ जाओगे, सिंपली यहाँ पे क्लिक किया रजिस्टर करना। रजिस्ट्रेशन के लिए आप यहाँ पे पहुंच जाओगे, सबसे पहले पर्सनल डिटेल, देन फादर डिटेल, मदर डिटेल, सिबलिंग डिटेल, ये सारी चीज़ें आपको फिलअप करनी है, रजिस्टर करना है, उसके बाद सेव एंड प्रोसीड पे करना है। देन उसके बाद आप होम पेज पे आओगे, उसके बाद यूज़र आईडी और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करोगे और आगे एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करोगे। कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे तो वो भी आप सबमिट कर देना। तो ये अभी के लिए कंप्लीट डिटेल है जिस तरह से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। कोई भी अपडेट और चाहिए आपको तो कमेंट करके ज़रूर बताओ। और आप अगर UGEE एग्जामिनेशन देते हो तो ट्रिपल आई टी हैदराबाद में आपको एडमिशन का मौका मिलेगा। एग्जामिनेशन देना होगा, एक बार मॉक टेस्ट और जो आपका SUPR और REEP है इसका एक बार देख लेना किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी टेस्ट और दूसरा आपका रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये अपडेट है अभी के लिए। UGE UGEE का एग्जामिनेशन होने वाला है, आपको पता है कब, 4 जून को, तो इस बात का आप ध्यान रखना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट थे एग्जामिनेशन से रिलेटेड। UGEE का फॉर्म फिलअप कर सकते हो आप। सो दैट्स इट, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक और शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को बटन को दबा देना क्योंकि वहाँ पे अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।